हमारे बीएचईसी के 2014 का बदल आया था पहले, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट को लेकर के जो पटना में प्रदर्शन हुई तो नीतीश कुमार 200 छात्रों पर FIR दर्ज करवा दिया, लाठी दर्ज करवा दिया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कोई युवा अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो आप उस पर आपका दबाव बना करके उस पर FIR दर्ज करवाइएगा, लाठी दर्ज करवाइएगा। ये युवाओं बिहार के युवाओं को आप बहुत दर्द दे चुके हैं और अब ये दर्द आपको दिखना चाहिए। हम बिहार युवाओं पर हो रहा है, एक भी परीक्षा सही ढंग से आप नहीं करवा पाए, आप शासन कर रहे हैं। आवे तो बढ़िया था ऊपर में। जब भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो वहाँ पे पर्चा लिख चाहे दरोगा का परीक्षा हो या बिहार पुलिस का परीक्षा हो या बैठक का परीक्षा क्यों देख लीजिए, पूरा बिहार की बदनामी हुई। आप बिहार में पर्चा लीक चोरी हो रहा, आखिर क्यों हो रहा भाई? आप पढ़ाई करवाइए, वहाँ के सुशासन के प्रशासन को लगाइए, ये चोरी कैसे हो रही है? आखिर आप कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं। लेकिन आज बेरोजगारों की जनसंख्या आत्महत्या करने में आ गए हैं और ये नीतीश कुमार को समझना चाहिए। हमारे बिहार में पलायन का दर्द वो कभी नहीं समझेंगे। जब भी कहीं कल कारखाने में अगर मौत होती है दिल्ली मुंबई या कहीं भी, तो सबसे ज्यादा वहाँ पे मरने वाले बिहारियों की संख्या होती है। ये नीतीश कुमार को कभी नहीं दिखता कि वहाँ पे मरने वाले की संख्या बिहारियों की अधिक क्यों है, क्यों नहीं बिहार में कल तक चुनाव को लगाया जा रहा है, क्यों नहीं युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ये सिर्फ श्रृंखला लगा करके नौटंकी करेंगे। शराबबंदी जब 12 श्रृंखला लगा तो क्या शराबबंदी हुआ? नहीं हुआ। हर जगह होम डिलीवरी हो रहा है शराब का, तो नीतीश कुमार कहाँ है, उनके प्रशासन कहाँ है? आज तक द्वारा में दहेज प्रथा के लिए लगाया गया, क्या दहेज बंद हुआ? आज भी दहेज लिया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो ये नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली कैसे आएगी मानव श्रृंखला बनाने से? मानव श्रृंखला बनाने से कभी जल जीवन हरियाली नहीं आएगी। अगर आपको जल जीवन हरियाली लाने हैं तो पहले विद्यालयों में शिक्षा को सुधार व्यवस्था कीजिए। जब शिक्षा सुधार व्यवस्था होगा तो जल जीवन हरियाली समझ में आएगी। और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको दो दो वृक्ष लगाने के लिए बोलिए। वो अपने प्रतिनिधि पंचायत सचिव हैं, वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, विधायक हैं, जितने भी हैं, सबको दो दो पेड़ लगाने के लिए बोलिए, जरूर जल जीवन हरियाली आएगा। मानव श्रृंखला लगाने से कभी जल जीवन हरियाली नहीं आएगा।